देश में भले ही वैक्सीन की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली हो, लेकिन दिल्ली में अभी भी लोगों को वैक्सीन लगाने में दिक्कत आ रही है। दिल्ली के करोल बाग वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया एबीपी न्यूज संवाददाता निवेदिता शांडिल्य। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। जी हाँ, वैक्सीनेशन को लेकर के लगातार सरकारें बोल रही हैं कि वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। वैक्सीनेशन दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत देश में चल रहा है, लेकिन जो तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली की, वो कुछ और ही हकीकत बयां कर रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सरकार के एक वैक्सीनेशन सेंटर पे, करोल बाग में पड़ता है ये वैक्सीनेशन सेंटर। और यहाँ पर आप देखिए, तैयारी पूरी है, सजावट पूरी है, बड़े बड़े पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, नेताओं को धन्यवाद देने वाले भी पोस्टर लगे हुए हैं कि फ्री वैक्सीन दिलाने के लिए नेताओं को धन्यवाद। इसमें राज्य सरकारों के भी पोस्टर हैं और केंद्र सरकार के भी पोस्टर हैं, लेकिन नहीं है तो वैक्सीन। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग आ नहीं रहे हैं, लोग परेशान भी होकर के अलग अलग जगहों पर ढूंढ रहे हैं। दरअसल ये जो वैक्सीन सेंटर है, यहाँ पे 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन होता है, तो ऐसे में लोग स्लॉट लेकर के आ तो रहे हैं, लेकिन आने पे पता चल रहा है कि अब वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है क्योंकि वैक्सीन की दिल्ली में कमी हो गई है। और इतना ही नहीं, कई जगहों पे तो बदहाली का भी मंजर है। तमाम ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पे या तो भीड़ रही पहले जब वैक्सीन लग रही थी, इस वजह से हम नहीं जा पाए, और अब जब जाने की कोशिश कर रहे हैं तो अब वैक्सीनेशन सेंटर ही बंद है। भैया नाम क्या है आपका? सत्यपाल जी। ये बताइए, वैक्सीन लगी आपको? नहीं जी। क्यों नहीं लगी अभी तक? क्योंकि मैंने दो बार रजिस्ट्रेशन कर लिया। पहली बार तो मैं तो निजामपुर गांव में गया था, तो वहां पे दवाई नहीं थी। फिर दोबारा किया 27 तारीख के लिए, वैक्सीन नहीं थी वहां पे। वैक्सीन ही नहीं थी जी। अच्छा। फिर दोबारा मतलब 27 तारीख के लिए किया था, कल मुबारकपुर में गया। वहां पे जाने जहां पे कोविड सेंटर बना हुआ है, उस स्कूल के तरफ नीचे ना इतना पानी भरा हुआ है उसकी गलियों में, वहाँ जाना ही असंभव था, इसलिए हम वापिस आ गए जी। आपके परिवार वालों को वैक्सीन लगी? हमारे परिवार में हमारे एक भाई को लगी है जी। अच्छा, बाकी किसी को नहीं लग पाई? नहीं जी, अभी किसी को नहीं लग पाई है। और अब तो वैक्सीनेशन सेंटर पे भी नहीं मिल रहा होंगे, बंदी मिल रहा है सारे। अभी जो बच्चे हैं उनका तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। क्यों रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा है? जब भी मतलब उसका ऐप वहाँ पे बच्चे मतलब डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो हमेशा मतलब बिजी रहता है, वहाँ पे हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे में तमाम चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहले तो वैक्सीनेशन सेंटर्स की बदहाली के तरफ लोगों को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए। दूसरा, कोविन ऐप के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और तीसरा, राजधानी दिल्ली में राजनीति छोड़ करके जनता के लिए नेताओं को सोचना चाहिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।